उर्फी जावेद जैसी बहू। अरे बेशर्म, कुछ तो शर्म कर ले, ये क्या पहनकर कॉलेज जा रही है? कभी सोचा भी है दुनिया क्या कहती है? माँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है। मैं बता देती हूँ दीदी, आपको उर्फी जावेद का डुप्लीकेट कहती है दुनिया। तो क्या आपको जलन होती है? या तो आपके लिए भी कपड़े डिजाइन कर देती हूँ। कॉलेज में सोनिया को देखकर सभी लड़के बात करने लगते हैं। यार अजीब लड़की है, इसको जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग इसे क्या कहते हैं। जो भी हो, मुझे तो ये बिल्कुल उर्फी जावेद की तरह लगती है, डुप्लीकेट एकदम। अपन तो बस मजे लेते हैं। कुछ दिनों बाद सोनिया की शादी सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनुराग से हो जाती है। शादी की पहली रात सोनिया अपने पति से पूछती है, सुनिए, आपको मेरे मॉडर्न कपड़े पहनने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि छोटे कपड़े पहनने से किसी का चरित्र खराब हो जाता है। आप कितने अच्छे हैं, मैं कितनी लकी हूँ कि मेरी शादी आपसे हुई। अच्छा बाबा, आप जल्दी सो जाओ, कल रिसेप्शन है। मैंने माँ से इतना कहा था, मुझे कोई अलग सी ड्रेस चाहिए। मेरी शादी पढ़े लिखे परिवार में हुई है, फिर भी केवल साड़ियाँ ही साड़ियाँ दी है। मुझे अपने लिए कोई नई ड्रेस बनानी होगी, तभी तो मैं सबको इम्प्रेस कर पाऊंगी। क्या करूँ? टेंशन में वो टीवी ओपन कर देती है, जिसमें उर्फी जावेद का इंटरव्यू आ रहा होता है और वो अलग अलग कपड़ों में दिखाई दे रही होती है। ये हुई ना बात, मैं तो भूल ही गई थी, मैं तो हमेशा इसी का स्टाइल फॉलो करती हूँ, तो देर किस बात की। बनाती हूँ कोई झक्कास डिजाइनर ड्रेस अपने लिए। सोनिया की नजर बोरे पर पड़ती है। सोनिया उसे काट कर अपने लिए ड्रेस बनाती है और ऊपर से दुल्हन की चुनरी ओढ़ कर पार्टी में पहुंच जाती है। सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे मेयर साहब, आपकी बहू तो कमाल की है, हम तो सोचते थे बोरे में सिर्फ अनाज ही रखा जा सकता है। अरे मेयर साहब, हमें तो अपने घर के बोरों को भी छुपा कर रखना पड़ेगा, कहीं हमारी बेटियों ने भी इसे फॉलो करना शुरू कर दिया तो बोरे ही कम पड़ जाएंगे। तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? इसी समय इस लड़की को घर के अंदर लेकर जाओ, सबके सामने मेरी नाक कटवा दी है इसने। नई नई आई है इसलिए चुप हूँ, इससे पहले मैं अपना आपा खो बैठूँ, ले जाओ उसे यहाँ से। दो दिन के बाद सोनिया पग फेरे के लिए अपने मायके चली जाती है। क्यों दीदी, आज तो आपने साड़ी पहनी है, लगता है ससुराल जाकर अकल ठिकाने आ गई है। तभी सोनिया अपना गाउन उतारती है। गाउन के अंदर उसने अपने अतरंगी कपड़े ही पहने हुए होते हैं। वो हंसते हुए कहती है, भाभी, उर्फी जावेद मेरी स्टाइल आइकन है। मैं कोई देहाती या गवार लड़की नहीं हूँ, मैं उर्फी जावेद की तरह ही अपनी पहचान सबसे अलग बनाना चाहती हूँ। देख लेना दीदी, कहीं पहचान बनाते बनाते खुद ही सबसे अलग ना हो जाना। सोनिया वापस अपने ससुराल आती है तो देखती है सबने पूरे कपड़े पहने हुए हैं। अलका को बुलाती है। अरे अलका, तुम तो यंग हो, तुम्हें स्टाइलिश कपड़े पहनने का मन नहीं होता? करता तो है, लेकिन माँ और डैडी से डर लगता है, कोई ऐसे कपड़े अलाउ नहीं करेगा ना। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस डिजाइन करती हूँ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। सोनिया की बात सुनकर अलका बहुत खुश हो गई, क्योंकि घर में सख्ती के कारण वो ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती थी, लेकिन उसका मन अतरंगी कपड़े पहनने का तो करता ही था। सोनिया देख बेटी, मैं तुझे समझाना चाहती हूँ, तू घर की बहू है, इस तरह शरीर दिखाने वाले कपड़े पहनना अच्छी बात नहीं होती। माँ जी, आप भी कितने पुराने जमाने की बातें करती हैं। आपने कभी उर्फी जावेद को देखा है? आइए मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है उर्फी जावेद, आजकल सभी लड़कियों की स्टाइल आइकन है ये। हे भगवान, ये क्या पहना है इस लड़की ने, कहीं शरीर पर घड़ियां लटकाई हुई हैं, तो कहीं पर चम्मच। राम का नाम ले बहू, तू ऐसे कपड़े पहनना चाहती है? अरे ऐसे कपड़ों में बुराई ही क्या है, कितनी अच्छी लग रही है। भाभी मेरे लिए भी कोई अच्छी सी ड्रेस डिजाइन करो, मैं भी पहनूंगी। दिमाग ठीक है तेरा? तेरे पिताजी को पता चल गया तो तेरी टांगे तोड़ देंगे। माँ, भाभी भी तो पहनती हैं, मैं क्यों नहीं पहन सकती, इतनी अच्छी तो लगती हैं, मैं भी स्मार्ट और मॉडर्न बनना चाहती हूँ। कुछ दिनों बाद सोनिया के सास ससुर बद्रीनाथ यात्रा के लिए चले जाते हैं। सोनिया अलका के लिए ड्रेस तैयार करती है और दोनों ननद भाभी अपनी अपनी अतरंगी ड्रेस पहनकर बाजार चले जाते हैं। सब लोग उन्हें घूरते हैं और बाजार में सोनिया का क्लासमेट अनुभव मिलता है। वाओ सोनिया, तुम तो शादी के बाद पहले से भी खूबसूरत लग रही हो, और तुम्हारे साथ ये दूसरी लड़की कौन है? ये मेरी नंद अलका है, कॉलेज में पढ़ती है, ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है।
वालका जी, आपका फिगर भी अपनी भाभी की तरह है, बिल्कुल फिल्मी हीरोइन। आपने कभी ट्राई किया इंडस्ट्री में? वैसे मेरी काफी जान पहचान है, अगर आप दोनों चाहें तो मैं मदद कर सकता हूँ। ये लीजिए मेरा कार्ड, एक फोन कर लीजिएगा, हीरोइन का ऑडिशन चल रहा है, आप भी ट्राई कर सकती हैं। अलका अनुभव का कार्ड ले लेती है। अनुभव की बात सुनकर सोनिया और अलका के मन में हीरोइन बनने की इच्छा जाग जाती है। दोनों एक दूसरे से बातें करती हैं। तुझे क्या लगता है अलका, क्या सचमुच हम हीरोइन बन सकते हैं? अगर ऐसा हो गया तो तुझे पता है जिंदगी के मजे आ जाएंगे। भाभी क्यों ना आपके दोस्त से मदद ली जाए, आखिर वो तो जान पहचान वाला है, उसे फोन करते हैं। सोनिया अनुभव को फोन करती है। अरे आज कैसे सूरज पश्चिम से निकल गया, तुमने मुझे कॉल किया, बताओ क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? उस दिन तुम कह रहे थे कि तुम्हारी जान पहचान है इंडस्ट्री में, मैं और अलका काम करने में इंटरेस्टेड है। तुमने कहा था ना कि कहीं पर हीरोइन के लिए ऑडिशन हो रहा है, अब कहाँ पर हो रहा है? तुम लोग अच्छी तरह से तैयार होकर मेरे फ्लैट में आ जाओ, मैं एड्रेस व्हाट्सएप कर रहा हूँ, मैं तुम्हें डायरेक्ट लेकर जाकर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से मिलवा दूंगा, तुम्हें कोई ऑडिशन देने की जरूरत नहीं होगी। फोन रखने के बाद अलका और सोनिया जल्दी जल्दी तैयार होने लगती हैं। लेकिन भाभी मेरे पास तो कोई ऐसे कपड़े नहीं है, मैं क्या पहनूं? अरे हम लोगों की आइडियल उर्फी जावेद है तू, डरती क्यों है? 2 मिनट में ड्रेस तैयार हो जाएगी, मैं तेरे लिए डिजाइनर कपड़े बना दूंगी, तो हम दोनों तैयार होकर दिए हुए ड्रेस पर चलेंगे। अनुभव फोन काट के तुरंत अपने दोस्तों को फोन करता है और कहता है, कॉलेज के जमाने से हम लोग सोनिया को उसके उर्फी जावेद लुक के कारण पाना चाहते थे, वो मेरे जाल में फंस गई है। सच कह रहा यार, वो लड़की कपड़े कैसे भी पहनती हो पर कैरेक्टर की बहुत स्ट्रांग थी। यार तू बियर लेकर घर आ जा, देख तुझे आज क्या तमाशा दिखाता हूँ, उसके साथ उसकी नंद भी आ रही है। यार वो अच्छी लड़की है, केवल उर्फी जावेद के जैसे दिखने के लिए, खुद को मॉडल दिखाने के चक्कर में वो ऐसे कपड़े पहनती है। कुछ ही देर में सोनिया और अलका छोटे छोटे अतरंगी कपड़े पहनकर अनुभव के फ्लैट पर पहुंच जाते हैं। आइए आइए, तुम दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे हो, मुझे पक्का पता है कि तुम दोनों का ही सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे कुछ और दोस्त भी यहाँ पर आए हुए हैं जो इंडस्ट्री के लोगों से परिचित हैं, मैं तुम दोनों का परिचय करा देता हूँ। अरे शशांक, मयंक, तुम सब भी यही हो, कैसे हो तुम सब? देखो सोनिया, देर करने से कोई फायदा नहीं, ये पैक पियो, फिर हम पहले तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट ले लेते हैं, तुम लोग हमें कैटवॉक करके दिखाओ। छोटे छोटे कपड़ों में दोनों कैटवॉक करने लगती हैं और अनुभव, मयंक और शशांक बियर पीने लगते हैं। बहुत अच्छा, अब तुम लोग डांस करो। ये क्या बदतमीजी है, तुम हमें गलत समझ रहे हो, हम यहाँ पर सिर्फ ऑडिशन देने आए हैं। ये छोटे छोटे अतरंगी कपड़े पहनकर तुम्हें शरीफ तो कोई भी नहीं समझ सकता। ये क्या बकवास है, छोटे कपड़े पहनने का मतलब तुम गलत समझ रहे हो। अनुभव अलका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। भाभी बचाओ प्लीज, भाभी। सोनिया अनुभव को मारने लगती है और उसके सर पर फ्लावर वास फेंक देती है और वो बेहोश हो जाता है। शशांक और मयंक सोनिया और अलका को अपनी कार में बिठाकर उनके घर छोड़ देते हैं। घर में सोनिया के सास ससुर और पति उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ, तुम दोनों इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर बेहोशी की हालत में कहाँ से आ रही हो? देख बेटा, तेरी बहू ने हमारी बेटी को भी अपने जैसा आवारा बना दिया है। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं, हमें बेहोशी की दवाई दी गई है, हम ऑडिशन देने गए थे, लेकिन हमारे इन छोटे छोटे और अतरंगी कपड़ों को देखकर उन लोगों ने हमें गलत समझ लिया। अगर भाभी ने मुझे बचाया नहीं होता तो मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, आज के बाद मैं वैसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। मैं समझती थी कि ये कपड़े पहनने से मैं मॉडल बनूंगी, लेकिन अब पता चला कि लोग मुझे ऐसा कपड़ा पहनने से चरित्रहीन समझने लगे हैं। सोनिया घर के अंदर जाकर साड़ी पहनकर बाहर आती है और सबसे माफ़ी मांगती है। सभी लोग खुश हो जाते हैं और सास सोनिया को अपने गले लगा लेती है। सोनिया के सर से उर्फी जावेद का भूत हमेशा के लिए उतर जाता है।